चेक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भी चेक किया था मैंने, बाद में आपको भेजा भी, दो दो तीन बार नहीं हुआ, ऑटोमेटिक ही नहीं फर्स्ट हुआ। टाइम ज्वाइनिंग था ना मे बी इसलिए। अच्छा, ये आईडी से फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है क्या? ओके ओके। पहले मेरे हाय से हेलो, ज्वाइन कैसे किया हो ना सब? यही था इसलिए। हाय हेलो कैसे हो आप सब? सब कैसे हो ये तो बताएंगे नहीं, हाय हेलो करेंगे। सर बहुत खूब हेलो यार, बहुत हाय खूब लिख रहे हेलो हैं। हाय सो गाइस, सो बताइए फिर। थैंक यू सो मच 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इट्स मीन्स फैमिली। हाँ नहीं, मुझे लोगों की तरह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, लोगों की तरह मुझे नाटक नहीं करना, फैमिली वगैरह। मैं जहाँ तक अभी तक जुबान पे जुलाता हूँ, सपोर्टर ही बोलता हूँ सबको, मैं सपोर्टर ही बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ तो देखा तभी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको वीडियोस देखना होता तभी तो सब्सक्राइब करके रखें, कि ताकि वीडियो दोबारा आए उनके सामने, राइट? हाँ राइट राइट एंड कीप लविंग द वीडियोस शेयरिंग इट। हाय गुड्डी भाई, हाय, कैसे हो सब? बढ़िया। नहीं मेरे को क्यों नहीं दिख रहे मैसेजेस। अच्छा आप दिख रहे हैं। हाँ भाई बिग फैन ऑफ द शो आपको क्या, वेरी कैसे हैप्पी मैसेज फॉर दिख यू। रहा है? अब दिखे बीच में मेरे को सिर्फ ऐसा लोगों का दिख रहा था कि हाय किया हुआ है बस सिर्फ इतना। अब दिख रहे हैं लोग। वेलकम ब्रो अब दिख रहा है। हेलो सर हमारे तो बहुत फैन फॉलोइंग हो गई यार। नहीं, फैन फॉलोइंग नहीं है ये। अरे मतलब जो भी सपोर्टर्स होते हैं ना तो हमारी लैंग्वेज में हम जितने भी फ्रेंड्स है ना, अरे दो लोग भी होंगे ना तो कोई सपोर्ट करा तो हम बोलते हैं अरे तेरी बहुत फैन फॉलोइंग होगी। दैट वे आई एम सेइंग अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। वैसे तो कह रही आज हूँ। आज हम लोग, एक्चुअली मेरा नेटवर्क नहीं है क्या, क्योंकि किसी का डीपी वगैरह भी नहीं दिखा रहा है, डीपी में से प्रोफाइल में फोटो भी नहीं दिखा रहा है। मेरा नेटवर्क लो है या फिर आपका नहीं नेटवर्क लो नहीं है? हाँ शायद मे भी हो सकता है बट मेरे को पिक्चर ठीक आ रही है ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम अभी है। ओके, अभी अभी हुआ, अभी दिख रहे हैं। दीदी कैसे हो, आपको बोल रहे हैं कोई लोग। आई एम गुड आप कैसे हो। नहीं, आप मेरे फैन नहीं, फैमिली नहीं, मैं सपोर्टर बोलता हूँ। इट्स कॉल्ड सपोर्टर्स, बहुत सही है, बहुत सही लैंग्वेज है, क्योंकि फैमिली के साथ कभी कभी गद्दारी कर बैठते हैं हम लोग। सबसे बड़ी गद्दारी है क्या, कि देखो भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, टाइम नहीं सपोर्टर देते नहीं, वो भी गद्दारी हो गया। फिर बाद में कुछ कुछ स्पॉन्सर आते हैं जो हमें खुद नहीं पसंद रहते हैं, लेकिन पैसे के लिए करना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये हकीकत है। कुछ कुछ आते हैं, ठीक है, भरपूर पैसा मिलता है तो करना पड़ता है, तो आगे चल के कैसा। मैंने जहाँ तक इग्नोर ही मारे, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं कि ये सब, ये प्रमोट करो, वो प्रमोट करो, तो उसकी वजह से बहुत सारे मैं इग्नोर मारे हैं, तो इसकी वजह से अच्छा सपोर्टर बोलना सही है, क्योंकि गद्दारी ना हो पाए किसी के साथ। आपको बिग फैन बहुत बड़ा फ्रेंड, थैंक यू सो हाँ मच। ओके, तो आज हम बात करेंगे ऐसे लाइफ के बारे में, लाइफ क्या होती है ऐसा वैसा। ठीक तो है। आप देख ही रहो कि ये मुझे दाढ़ी मूछे में बहुत दिन से हटाने का दिल नहीं कर रहा, पता नहीं, नहीं तो पहले खुद पे बहुत ध्यान से जाता मैं। जिम एक दिन छोड़ के एक दिन जा रहा हूँ जिम। उससे वेट गेन होता है अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो देन इट इज गुड। एक दिन छोड़ के एक दिन जाना, हाँ ऐसा होता है? हाँ जैसे आप लेग एक्सरसाइज कर रहे हो आप एक दिन छोड़ के एक दिन एक्सरसाइज करते हो ना मतलब इट्स नॉट ओनली जिम। जिम में तो या तो फिर अलग अलग करते हो एक दिन कार्डियो कर लिया फिर अलग से शोल्डर्स का कर लिया ऐसा कर करते होगे ना। तो मैं क्योंकि जिमनास्ट रह चुकी हूँ तो बहुत बार ऐसा होता था जब मैं फ्लाइंग में थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था कहीं पता जाने है, का तो रूम में ही चार एक्सरसाइज। दिन पहले जो जो अपने खाली हाथ के लिए गया था ना, वो अभी भी पूरा बॉडी दिख रहा है, अभी भी, मतलब ऐसा कुछ करता हूँ ना तो हाथ पूरा, वही नहीं पता है ऐसा फोल्ड, तो वो ये होगा देखो, क्योंकि ये तुमने खाली बहुत इतने पे पहले टिक जिम जाते नहीं किया होगा ना सडन एकदम से प्रेशर आया होगा मसल्स पे इसलिए। हैं। मैंने जबरदस्ती किया था ताकि कुछ गुस्सा उस्सा था। हाँ वो वही ना इसीलिए बेचारे मसल्स को नहीं पता ना ऐसे गुस्से में कर रहा है तो बेचारे उनकी तो बैंड बज गई ना मसल्स की तो।